अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पी के अलर्ट न्यूज में खुश आमदीद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इसराइल का फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म और सितम बढ़ता ही चला जा रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही शदीद किस्म का रद्द अमल सामने आ रहा है। अमेरिका पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़ा हो चुका है, जबकि जो जॉर्डन है, उर्दन जिसको हम कहते हैं, उसके लोग इस वक्त फिलिस्तीन के बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं और उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस करके इस वक्त फिलिस्तीन के अंदर दाखिल हो चुके हैं और वो इस वक्त आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग भागते हुए जा रहे हैं और ये उर्दन के लोग हैं और ये फिलिस्तीनियों की मदद के लिए भागते हुए जा रहे हैं और इन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया है और ये इस वक्त फिलिस्तीन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इन्होंने बॉर्डर की जो फेंसिंग थी उनको तोड़ते हुए, उनको अपने पैरों के तले रोंते हुए फिलिस्तीन के अंदर इस वक्त ये लोग दाखिल हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको काबू में किया हुआ है। अभी 20 लाख लोग इस वक्त फिलिस्तीन के अंदर जॉर्डन से दाखिल होने के लिए तैयार हैं और वो शदीद मुज़ाहमत कर रहे हैं। इस वक्त जॉर्डन की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको रोका हुआ है। कुछ लोग इस वक्त बॉर्डर को क्रॉस करके फिलिस्तीन के अंदर दाखिल हो चुके हैं अपने फिलिस्तीनी भाइयों की मदद के लिए।